हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं उस पे जो जो कंपोनेंट्स लगते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। कोई कहता है, एक्चुअली कमेंट आता है कि सर, इंस्ट्रूमेंट पैनल और इलेक्ट्रिकल पैनल में डिफरेंसेस क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट पैनल और इलेक्ट्रिकल पैनल में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, लेकिन वो काउंटिंग में कॉमन है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें का मतलब हुआ कि 10-15 चीज़ें कॉमन है, बहुत ही कम चीज़ें कॉमन होती हैं, वो मैं बताता जाऊँगा एक एक करके। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पैनल में काफ़ी चीज़ें ऐसी अलग होती हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल पे नहीं होती है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, होता क्या है, इलेक्ट्रिकल पैनल जो होता है वो एल्यूमिनियम का हो सकता है और आपका SS इनबिल्ट बॉडी के अंदर हो सकता है, अगर आप हैजार्डियस प्लेस पे लगा रहे हैं उसे। तो पैनल्स कई तरीके के आते हैं। पैनल जो होता है वो ऑटोकैड पे डिज़ाइन होता है, उसकी थिकनेस, उसकी जो थिकनेस है वो डिपेंड करती है कि उसका लोड क्या है। हर पैनल का अपना एक लोड होता है कि कोई जो है वो 10 किलोवाट का पैनल है, कोई 250 किलोवाट का पैनल है। तो जितनी उसकी रेटिंग बढ़ती जाती है उसी हिसाब से उसकी थिकनेस, उसके इनक्लोजर्स, उसके जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो मुड़ते हैं, वो सारी चीज़ें ना साइंटिफिकली डिज़ाइन करी जाती है। इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम होती है पैनल के अंदर, कोई भी किसी तरीके का डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होती है पैनल के अंदर, तो जब वो ब्रस्ट होता है या कुछ भी होता है तो उसकी वजह से बाहर के लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरीके से पैनल डिज़ाइन किया जाता है। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि पैनल एक स्टैंडर्ड है, बस ऐसे ही बना के रख दिया जाता है। नहीं, उसकी थिकनेस हमेशा लोड के संग डिज़ाइन करके ही बनाई जाती है। तो ये तो बात हो गई पैनल की। अब पैनल में लगे कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले और सबसे बेसिक कंपोनेंट आता है दोस्तों DIN रेल। अब मैं जब आपको बताता जाऊंगा तो आपके स्क्रीन पे ना वो चीज़ें कंपोनेंट बन के आते रहेंगे, सो दैट कि वो आप उसको समझ पाए, या मैं उसका वीडियो भी लगाता रहूँगा कि क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, DIN रेल क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट्स को हैंग करते हैं। तो DIN रेल क्या करता है, किसी भी तरीके के कंपोनेंट जो इंडिविजुअल हो या बैच टाइप हो, उन सबको हैंग करने के, क्योंकि पैनल में आपको अल्टीमेटली चीज़ें हैंग करनी है, तो उसको हैंग करने के लिए आपको चाहिए सपोर्ट बैक प्लेन पे, वो होती है DIN रेल। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सर्किट ब्रेकर की। सर्किट ब्रेकर दोस्तों कई तरीके का हो सकता है। सर्किट ब्रेकर जैसे MCB हो सकता है, MCCB हो सकता है, RCCB हो सकता है, और ELCB हो सकता है, SFC हो सकता है। SFC बड़े पैनल्स में होता है, उनका खुद का एक अपना पैनल होता है, लेकिन छोटे पैनल्स में SFC वगैरह नहीं होता है। आइसोलेटर टाइप का सर्किट ब्रेकर होते हैं, तो सर्किट ब्रेकर होता है जिससे पावर ऑन ऑफ कर सके, सेकंड चीज़। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, फ्यूज़ होता है। कोई भी पावर इनपुट होती है, अगर आप इलेक्ट्रिकल पैनल की बात करें तो इनपुट पावर में होने के बाद जब आपकी VFD पैनल के अंदर जाती है या ड्यूअल स्टार्टर के अंदर जाती है या सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर जाती है, तो उसके स्टार्टिंग में फ्यूज़ लगाते हैं कि अगर इनरश करंट हाई हो जाती है तो मेरा फ्यूज़ ब्लो हो जाए और मेरी पावर, मेरा करंट जो है, इनरश करंट जो है, मेरे कंपोनेंट के अंदर नहीं जा पाए, तो उसके लिए हम फ्यूज़ लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि पैनल्स में TB होती है। TB क्यों लगाई जाती है, जो भी हम वायरिंग करते हैं दोस्तों, कंट्रोल वायरिंग करते हैं या जो DCS को हमारे वायर्स जाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में TB जो होती है वो अक्सर यूज़ करी जाती है किसी तरीके के सिग्नल्स को बाहर दिखाने के लिए या उनकी कंट्रोल सर्किट की वायरिंग के लिए, क्योंकि बिना TB के आप वायर्स को सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। तो टर्मिनल बॉक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इलेक्ट्रिकल पैनल में भी और इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल पे भी। इसके बाद दोस्तों कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर जनरली इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल पे नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ रिलेज होती हैं। कॉन्टैक्टर आपको इलेक्ट्रिकल पैनल में 100% मिलेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल की होल्डिंग होती है, इलेक्ट्रिकल के कॉन्टैक्ट्स की जो होल्डिंग होती है, दैट इज़ ओनली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टैक्टर। हाँ, अब आजकल के जो पैनल्स आ गए उसमें रिलेज भी मिलेगी आपको, तो आप देखेंगे रिले भी मिल जाती है आपको, क्योंकि कॉन्टैक्टर को कुछ रिलेज ऐसी डेवलप कर गई है जो कॉन्टैक्टर से उसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा है। इसके बाद हम देखेंगे SMPS। अगर दोस्तों कभी कभी क्या होता है, SMPS तो इंस्ट्रूमेंटेशन में एक मैंडेटरी डिवाइस है, मैंडेटरी इक्विपमेंट है, इसके बिना इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल अधूरा है। तो SMPS जो होती है वो हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल में भी कभी कभी यूज़ करती है। 24 वोल्ट DC सप्लाई के लिए उनके यहाँ कोई कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनको सप्लाई देने के लिए हम SMPS को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेज की। जैसे मैंने पहले बताया था, दिस इज़ कॉमन इन द इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड, लेकिन आजकल के इलेक्ट्रिकल पैनल में रिलेज भी यूज़ करने लगे हैं,
इंस्टेड ऑफ कॉन्टेक्टर, बिकॉज रिलेज आर मोर रिलायबल, जो आज तक अभी जो रिलेज लेटेस्ट रिलेज आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं किसी भी पैनल की जो प्रोटेक्शन होती है वो थर्मोस्टेट से करी जाती है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, थर्मोस्टेट भी यूज़ करते हैं, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका क्या करते हैं हम लोग टेम्परेचर इंडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। वो थर्मोस्टेट जो है ना होती है दोस्तों, वो किसी ना किसी आपके हीटिंग या कूलिंग मीडिया से कनेक्टेड होती है। एक टेम्परेचर की रेंज दे दी जाती है, वो उसी के अकॉर्डिंग आपके हीटिंग और कूलिंग मीडिया को ऑन ऑफ करती है। इसके बाद दोस्तों हीटिंग और कूलिंग मीडिया क्या होता है, फ़ैन लगे होते हैं पैनल्स में, फ़ैन लगे होते हैं जो क्या करते हैं, अंदर जब कंपोनेंट यूज़ हो रहा होता है तो उसकी जो हीट होती है उस हीट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालने के लिए आपको फैंस दिए जाते हैं। दूसरा, फ़ैन दो तरफ होते हैं पैनल के, अगर पैनल आपका रियर और फ्रंट में है तो फ्रंट में वो फ़ैन होगा जिसका एग्जॉस्ट बाहर की ओर निकलेगा, रियर में वो फ़ैन होगा या टॉप पे वो फ़ैन होगा जिससे आपका जो, अगर आप वो पैनल आपका एसी मीडिया पे है तो उसको एक्सट्रैक्ट करके अंदर खींचेगा, यानी उल्टा एग्जॉस्ट लगा होगा। उल्टा नहीं बोलेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला, उसका डायरेक्शन उल्ट रिवर्स होगा, यानी जो अंदर की ओर सक करेगा, और ऐसा फ़ैन जो बाहर की ओर ग्लो करेगा वो होगा हीटिंग मीडिया को निकालने के लिए, और जो अंदर सक करेगा वो कूलिंग मीडिया को इनसाइड पैनल में लाने के लिए। इसके बाद दोस्तों पैनल में क्या होता है, आपका स्विचेस लगे होते हैं। स्विचेस मतलब कैसे, आपको कई सारे स्विचेस मिल जाएंगे दबाने के लिए, रेस करने के लिए होल्डिंग स्विच मिल जाएगा या प्रेसिंग स्विच मिल जाएगा। ये स्विचेस यूज़ करते हैं स्पीड इंक्रीज करने के लिए या ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे NC और NO स्विचेस होते हैं, वो स्विचेस आपको इलेक्ट्रिकल पैनल में ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटिंग लैम्प की। इंडिकेटिंग लैम्प भी जो है वो भी आपको पैनल्स में मिलेगी, क्योंकि बिना इंडिकेशन लैम्प के आप, मतलब अगर आप खड़े हैं पैनल के सामने तो हाउ यू कैन डिफाइन दैट कि ये पैनल सही है या ये पैनल में पावर आ रही है या ये पैनल, मतलब कई इंडिकेशन होते हैं। ये पैनल जैसे VFD पैनल की बात करें, उसमें एक होती है पावर सप्लाई की LED कि सप्लाई पैनल में मौजूद है, एक LED होती है रेडी की कि पैनल इज़ रेडी फॉर वर्क, और तीसरी LED होती है कि अगर वर्किंग है, यानी ऑन जॉब पे है, यानी वो काम कर रहा है, इट इज़ वर्किंग, तो तीसरी LED होती है कि यस इट इज़ वर्किंग। तो LED लैम्प से आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि एक्चुअल कंडीशन पैनल के समय क्या है। इसके बाद दोस्तों ग्लैंड मिल जाएगी, आपके जितने भी कवर्स होते हैं वो हमेशा IEC के नॉर्म्स में डिज़ाइन किए जाते हैं। IEC के नॉर्म्स ये कहते हैं कि हमारे पैनल ऐसे डिज़ाइन होनी चाहिए कि उसमें मिनिमम से मिनिमम डस्ट और वाटर जाए, अगर, यानी उसे बोलते हैं इनग्रेस प्रोटेक्शन। उसका वीडियो मैं लिंक आपको इसमें डाल दूंगा, मैंने अभी जितने भी कंपोनेंट बताए हैं उनके सबके वीडियो लिंक, जो मैंने वीडियो बना रखे हैं उन सबके वीडियो के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है आप उसके बारे में लिंक में क्लिक करिए और वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बस बार की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पावर सप्लाई मिलती है VFD पैनल्स में, वो होती है बस बार के थ्रू। क्या होता है दोस्तों, जब एक बस बार वहाँ पे यूज़ करी जाती है, जब कई सारे इलेक्ट्रिकल पैनल लाइन से एक साथ रखे जाते हैं तो उसमें कॉमन बस बार दी जाती है ताकि कॉमनली जो है वो पावर आपके डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। जैसे MCC या PCC में अक्सर यही चीज़ फॉलो करी जाती है। MCC में एक मेन इनकमर होता है, मेन इनकमर से बस निकलती है, वो बस जो है थ्रो आउट जितने भी फीडर आपके MCC पैनल्स में होते हैं वो सारे फीडर्स में आपकी जो है बस बार जाती है और वहाँ से सप्लाई ले ली जाती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एनर्जी मीटर की। हर पैनल पे एनर्जी मीटर होता है जिसमें आपका वोल्टेज, करंट, पावर कंजप्शन, पावर फैक्टर, ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करी जाती है और लॉगिंग हो रही होती है ताकि आपको डाटा मिल सके और कंडीशन समझ में आ सके आपके पैनल की समय क्या है। इसके अलावा दोस्तों आपको पैनल पे बजर मिल जाएगा या बैकन मिल जाएगा। बजर और बैकन क्या करते हैं, कोई भी ऐसा आपने इंडिकेशन रखा होता है जिससे ऑपरेटर को इन्फॉर्म हो जाए, क्योंकि हर वक्त आप पैनल को नहीं देख सकते हैं क्योंकि पैनल्स तो बहुत सारे लगे होते हैं, लेकिन कौन से पैनल में दिक्कत आई है ऑपरेटर कभी कभी नहीं जान पाता है, उसके लिए बजर और बैकन यूज़ किया जाता है। बैकन मतलब एक ऐसी लाइट जो लाइट ब्लो होने लगती है, जलने लगती है, जिससे पता चल जाता है कि इस पैनल में कोई प्रॉब्लम है। उसी तरीके बजर भी रखा जाता है, वो बजर बच जाता है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो ये कंपोनेंट था आपका इलेक्ट्रिकल पैनल का। इसके बाद हम बात करते हैं VFD की। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल पैनल की बात कर रहे हैं तो उसमें VFD तो होगी ही होगी। VFD आपको पता ही है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। इसका अगर आपके बारे में आपको जानना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हर पैनल में लिफ्टिंग आई होती है, जितने भी पैनल्स होते हैं हमारे उसके टॉप पे जो होता है उस पैनल को हैंग करने के लिए, जब वो पैनल रखा जाए या पैनल को डिसमेंटल किया जाए तो उसको
हवा में उठाने के लिए, उसको प्लेस करने के लिए एक लिफ्टिंग आई लगी होती है हर पैनल में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद लक्स एंड फेरुल्स होते हैं, आपको कोई भी कनेक्शंस करने हैं तो आपको लक्स यूज़ करने चाहिए। नेकेड वायर इसलिए नहीं यूज़ करने चाहिए क्योंकि उसका नेकेड वायर में क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से आपका डर रहता है कि किसी भी तरीके का छोटा स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है। और फेरुल्स यूज़ करने चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके, अगर आपके पास प्रॉब्लम आई है तो आप ये जान सकें कि ये वायर कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। तो फेरुल्स द वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द ट्रबल शूटिंग ऑफ द प्रॉब्लम, तो फेरुल्स इज वेरी मस्ट। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, काफ़ी शॉर्ट में मैंने कहीं पढ़ी थी तो मैंने सोचा आपको इसका वीडियो बना के दिया जाए ताकि आप कुछ इस चीज़ों के बारे में क्लियरिटी आ जाए। आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी। इन केस इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ डू कमेंट विद द प्रॉब्लम, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर मेकिंग द वीडियो देन प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू सजेस्ट योर टॉपिक, फॉर दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।